भाई साहब ट्विटर पे आग लगी हुई है। KGF चैप्टर 3 को अनाउंस कर दिया गया है मूवी मेकर्स के थ्रू। अब तुम्हें भरोसा नहीं है तो ट्विटर पे जाकर खुद चेकआउट कर लेना। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन KGF चैप्टर 3 के ही बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब छोड़ दो यार, मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। तो KGF चैप्टर 2 जब रिलीज हुई तो उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में ये भी डाल दिया था कि भाई चैप्टर 3 भी आएगा, और पब्लिक वहां पे पागल हो गई थी। जब मैं पहली बार मूवी देखने गया तो मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा ही नहीं क्योंकि मूवी ऑलरेडी बंद हो गई थी। और फिर जब मैं दूसरे दिन मूवी देखने गया तो मैंने देखा कि हाँ भाई सच में चैप्टर 3 को इन लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। और अभी कल के ही दिन उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि भाई मूवी 2025 के अंदर आ जाएगी। और भाई 2025 क्या ही साल होने वाला है, मार्वल, DC, बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, मतलब हर एक जगह से आपको बड़ी मूवीज देखने को मिलेगी। DC की सुपरमैन लेगेसी, मार्वल की कैंग डायनेस्टी, शायद अस्त्रवर्स का पार्ट 2 भी आ सकता है 2025 के अंदर। और अब तो भाई KGF चैप्टर 3 को भी अनाउंस कर दिया है 2025 के अंदर ही। अब एक्चुअली में KGF चैप्टर 3 को बनाने के डिसीजन से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये लोग प्रोजेक्ट को मिल कर रहे, मतलब पैसा निकालने के लिए बस आगे कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक साथ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई मूवी ऑलरेडी बहुत सारा सब्सटेंस कैरी कर रही है जिसको भी एक्सप्लोर करना बाकी है। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो भाई तुम KGF चैप्टर 2 मूवी का पहला ही सीन देख लो। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा है ये अपनी इंडियन आर्मी का नहीं है, ये किसी और फॉरेन कंट्री की आर्मी का मेंबर है, भाई शक्ल से पता चलता है। तो भाई साहब ये तो साफ बात थी कि चैप्टर 1 जब ये लोग मूवी बना रहे थे तो इनको पता था कि मूवी को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे और कितनी क्वांटिटी और कितने लेवल तक लेके जाएंगे। तो चैप्टर 3 का इन लोगों ने शायद तभी सोचा होगा। बट हाँ, उन्होंने ये बात दिमाग में रखी होगी कि अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से निकल जाते हैं, ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं, तब चैप्टर 3 आएगी या फिर नहीं आएगी। और अब जब चैप्टर 2 ने इतनी धूम मचाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो चैप्टर 3 तो आना मानता ही है। और चलो मान भी लेते हैं कि वो लोग पैसों के लिए पिक्चर बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, जब तक पिक्चर से मजे मिले, एंटरटेन फील हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम कितने पार्ट ला रहे हो। मैं तो कहता हूँ 10-20 पार्ट बना दो, बस स्टोरी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टोरी अमेजिंग होनी चाहिए और पिक्चर में मजा आनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड वही चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बाकी KGF चैप्टर 3 के अंदर क्या होने वाला है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भर भर के लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। यानी कि चैप्टर 2 के अंदर जो हमें 3 साल का टाइम जंप देखने को मिला था उसमें रॉकी ने इंटरनेशनल क्राइम्स किए और उसी चीज को हमें वापस से दिखाया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसा कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे हैं कि भाई रॉकी जो है वो समुद्र से बाहर निकल के आ जाएगा, वापस से जिंदा बच जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, चैप्टर 2 के अंदर उसकी स्टोरी के एंड को दिखा दिया गया है, रॉकी कैसे खत्म हुआ, और वो एक परफेक्ट एंडिंग थी क्योंकि भाई उसने अपने माँ के प्रॉमिस को पूरा किया और वो मरते हुए दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। और आई डोंट थिंक कि इससे बेटर रॉकी के कैरेक्टर को एंडिंग दे सकते हैं मूवी मेकर्स इतनी बढ़िया डेप्थ के साथ। तो शायद चैप्टर 3 के अंदर उसे 3 साल के टाइम जंप को दिखाया जाएगा, यानी कि शॉर्ट ऑफ कह सकते हो फ्लैशबैक। जो लोग कॉन्सेप्ट आर्ट्स बना रहे थे कि भाई वो सबमरीन वाला बंदा रॉकी को बचा लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, रॉकी के कैरेक्टर को एंड वहीं पे ही मिल चुका है। चैप्टर 3 की स्टोरी वो वापस से फ्लैशबैक में चलेगी, 3 साल पहले की स्टोरी होगी वो। अब KGF चैप्टर 3 के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं, बस इसकी रिलीज डेट अनाउंस की थी तो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करके ये वीडियो बना दी। बाकी अगर इस मूवी के बारे में या फिर इस फ्रेंचाइजी के बारे में और कुछ भी बात करने को आएगा डिटेल वगैरह तो मैं शेयर कर ही दूंगा अपने चैनल पे, तुम सब्सक्राइब कर लेना। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो इसी फ्रेंचाइजी की सलार मूवी भी रिलीज होने वाली है, वो भी इसी साल आएगी, यानी कि इस साल के लेट सितंबर या अक्टूबर तक शायद तुम्हें सलार मूवी देखने को मिल जाए। वैसे अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।